हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू आई एम विक्रांत भारद्वाज यू आर फिजिक्स ट्यूटर और आज बेटा जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ करंट दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या डिस्कस करेंगे बेटा हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो आपको बेटा अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से हम क्या क्या डिस्कवर कर सकते हैं तो हमने ये जो ए सी जनरेटर है जिसके बारे में आपने सुना होगा या सिंपल आप जनरेटर की बात कीजिए जो जनरेटर है उसमें इसका यूज़ होता है अगर मैं बात करूं मोटर जो आप मोटर देखते हैं उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ठीक है ये बहुत से फिनोमिनाज हैं बेटा जो हमारे इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक नॉलेज होना रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग मैग्नेट्स लेट्स स्टार्ट तो पहले बेटा हम मैग्नेट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं ठीक है मैग्नेट इसकी जो दो प्रॉपर्टी है टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एक्चुअल में क्या है जो हमें सबसे पहले मैग्नेट मिला नेचर में जो मैग्नेट मिला दिस इज द इन द फॉर्म ऑफ आयरन और किस फॉर्म में मिला बेटा आयरन और।, और इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है Fe3O4, Fe3O4, इसको हमने कहा नेचुरल मैग्नेट इट इज नॉन एज नेचुरल मैग्नेट ये जो नेचुरल मैग्नेट है बेटा इसके साथ दो प्रॉब्लम थी फर्स्ट वन इरेगुलर इन शेप इसकी जो शेप थी वो रेगुलर नहीं थी इरेगुलर इन शेप और जो सेकेंड वीक इन स्ट्रेंथ इसकी जो पावर थी ताकत थी वीक इन स्ट्रेंथ ये जो आयरन और है ठीक है अभी हम मैग्नेट को भी डिफाइन करेंगे पहले मैं बता रहा हूं जो सबसे पहले हमें मैग्नेट मिला कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमको कहाँ पे शो हुई आयरन और में हु स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज एफ ई थ्री ओ फोर दैट इज नॉन एज द नेचुरल मैग्नेट इसके बाद बेटा हम अगर हम आयरन ओर को या फिर ये जो नेचुरल मैग्नेट है इसको हम रब करते हैं विद आयरन पीसीज स्टील पीसीज तो उसमें भी मैग्नेटिज्म आ जाता है उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है तो इस टाइप के जो मैग्नेट होंगे बेटा उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट का जो सेकेंड है अदर नेम इज़ ऑल्सो नोन एज मैन मेड मैग्नेट मैन मेड मैग्नेट जो हमने तैयार किए हैं बेटा ठीक है ये हमने नहीं ये हमें नेचर से मिले हैं तो इनमें हमें क्या बेनिफिट मिला फर्स्ट वन इनकी शेप जैसी हम चाहे वैसी बना सकते हैं तो ये दोनों प्रॉपर्टी है इसको हमने लगभग रिमूव कर दिया रेगुलर इन शेप रेगुलर इन शेप एंड जो सेकंड थी जो स्ट्रेंथ थी बेटा उसको भी हम इंक्रीज कर पाए एंड वीक इन स्ट्रेंथ स्ट्रोंग इन स्ट्रेंथ स्ट्रांग इन स्ट्रेंथ इसके बाद हमें पता चला बेटा जो साइंटिस्ट है डॉक्टर विलियम गिलबर्थ उन्होंने बताया जो अर्थ है उसमें भी ये प्रॉपर्टी है ठीक है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है तो ये जो हमारी अर्थ है इट इज ऑल्सो ए मैग्नेट अर्थ इज ऑल्सो बिहेव एज मैग्नेट और कौन सा मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट की कैटेगरी में आएगी ठीक है और इसका जो मैग्नेटिज्म है वो हमने डिस्कस किया 0.3 जो उसकी स्ट्रेंथ है बेटा 0.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फोर टेस्ला ठीक है यूनिट्स के बारे में आपको नहीं पता वो हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको टाइप बताया बेटा दो तरह के मैग्नेट होते हैं पर मैग्नेट होता क्या है तो मैग्नेट के पास बेटा दो प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट वन अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बिल्कुल बेसिक छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो मैग्नेट क्या करेगा बेटा स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन कॉपर निकल स्टील उसको अट्रैक्ट करेगा फर्स्ट वन इज़ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी डायरेक्शन को शो करता है डायरेक्शन को शो करने का मतलब नेविगेशन पर्पज में यूज करते हैं हम ठीक है तो जैसे हम मान लीजिए शिप में जा रहे हैं हमें डायरेक्शन का आइडिया नहीं लगता तो वहां पर हम इसको कंपास निडल को यूज करते हैं क्योंकि ये हमें लीड करता है डायरेक्शन बताता है इस वजह से इसको हम लीड स्टोन भी कहते हैं चलिए अभी तक मैंने जो आपको बताया मैग्नेट की डेफिनेशन क्या है मैग्नेटिक मैग्नेट इट इज ए सब्सटेंस इट इज ए सब्सटेंस विच शोज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज एंड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने बताई डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जब भी किसी मैग्नेट को हम सस्पेंड करते हैं फ्रीली तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता है ठीक है एंड इट्स इट इज अबस्टांस विच शो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी तो ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा किसी सब्सटेंस के पास वो ये दोनों प्रॉपर्टी है तो उसको हम क्या कहेंगे मैग्नेट कहेंगे ठीक है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा इस पर ज्यादा चर्चा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सबको पता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है ये सब्सटेंस अट्रैक्ट करेंगे किसको स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन कोबाल्ट निकल ठीक है और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज का मतलब अगर इनको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं एक फिक्स डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करते हैं और अगर हम उसकी डायरेक्शन को डिस्टर्ब करते हैं तो ये फिर से अपनी डायरेक्शन में आ जाते हैं ठीक है तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस भी सब्सटेंस के पास होगी वो मैग्नेट होगा मैग्नेट की दो टाइप बताई मैंने आपको फर्स्ट वन इज़ नेचुरल मैग्नेट ये हमें नेचर में मिला सबसे पहले हमें आयरन ओर में मिला ठीक है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट इसी से घूम फिर के इसका नाम क्या बना मैग्नेट बना दिस इज मैग्नेटाइट एफ ई थ्री ओ फोर ठीक है इसकी कुछ डिसएडवांटेज इरेगुलर इन शेप वीक इन स्ट्रेंथ अर्थ इज ऑल्सो इन बिहेव एज ए मैग्नेट ये किसने बताया डॉक्टर विलियम गिलबर्थ ने इसके बाद बात आई बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट मैन मेड मैग्नेट इनकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर पा रहे थे इनकी शेप को हम रेगुलर कर पा रहे थे थी. ठीक है ये बेसिक नोट डाउन आर्टिफिशियल मैग्नेट की जो बात की बेटा जो उसकी इंपॉर्टेंट कुछ टाइप्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट जैसे हमने बात किया इनकी शेप रेगुलर है हम जैसी शेप देना चाहें वैसी शेप दे सकते हैं तो जो कुछ पॉपुलर शेप हम यूज करते हैं दैट इज बार मैग्नेट या फिर इसको हम रिंग की फॉर्म में भी यूज करते हैं बेटा स्पीकर्स वगैरह में आपने देखे होंगे गोल मैग्नेट ठीक है रिंग मैग्नेट्स मैग्नेटिक नीडल कंपास नीडल या मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक कंपास एंड लास्ट वन हो मैग्नेट होर्सू मैग्नेट तो बार मैग्नेट तो क्या होता है बेटा बार मींस छड़ रेक्ट रेक्टेंगुलर भी हो सकती है जैसे इस टाइप से अगर हम देखें तो और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और सिलेंड्रिकल ज़्यादातर जो हम यूज़ करेंगे स्कूल में ठीक है वो कौन सी करेंगे रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा रिंग मैग्नेट बेटा हम स्पीकर वगैरह में देखते हैं इस टाइप का मैग्नेट होता है रिंग की शेप में मैग्नेट होता है मैग्नेटिक निडल ये जो मैग्नेटिक निडल है इसके दो पोल होंगे लाइक नॉर्थ एंड साउथ और ये पोल कहाँ पे होंगे पाइवेटेड होंगे कहाँ पे पाइवेटेड होंगे एक पॉइंट पे पाइवेटेड होंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई वर्टिकल एक्सिस है और ये हमारा मैग्नेट है तो ये मैग्नेट क्या कर सकता है इस पॉइंट पे इस पाइवेटेड इसके बाद बेटा मैग्नेटिक कंपास की बात की मैग्नेटिक कंपास क्या होती है इसमें हम ब्रास का एक वो लेते हैं बॉक्स और इसमें हम मैग्नेटिक नीडल को रख देते हैं और सेंटर से इसको क्या कर देते हैं पाइवेटेड कर देते हैं ठीक है सेंटर से क्या कर देते हैं इसको हम पाइवेटेड कर देते हैं मैग्नेटिक कंपास इसके ऊपर एयर की वजह से डिस्टरबेंस ना हो तो एक ग्लास का लेड लगा देते हैं ठीक है सेम इसको हमने क्या कर दिया एनक्लोज कर दिया ए ब्रास बॉक्स और ये जो शू मैग्नेट है ये भी बेटा आपने बनाया हुआ है कई बार ठीक है इस टाइप का दिस इज द होर्सू मैग्नेट तो ये कुछ शेप है जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे इन द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट नोट डाउन बेटा चलिए बेटा अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में मैग्नेटिक फील्ड फील्ड क्या होता है बेटा फील्ड खेत दायरा रेंज ठीक है तो अगर जैसे मैं कहता हूँ ये कोई मैग्नेट है तो इसका इफेक्ट एक पर्टिकुलर रीजन में ही होगा बेटा एक स्पेस में ही होगा पर्टिकुलर मान लो इसके इस यहाँ तक मैं कोई और आयरन का पीस लाता हूँ तो उसको अट्रैक्ट करता है पर यहाँ पे पीस लेके जाता हूँ यहाँ पे पीस लेके जाता हूँ तो अट्रैक्ट नहीं करता फिर से देखिए यहाँ पे पीस लाता हूँ तो ये अट्रैक्ट कर रहा है आयरन को और यहाँ पे लाता हूँ तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो यहाँ तक इसका फील्ड है ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है इट इज़ द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस और सिंपल लैंग्वेज में बेटा इन विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस तो इट इज द स्पेस स्पेस का मतलब बेटा थ्री डी इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट अराउंड द मैग्नेट इन विच its magnetic effect in which its magnetic effect can be experienced can be experienced the space around a magnet in which its magnetic effect can be experienced is known as magnetic field अब इस मैग्नेट के चारों तरफ इसका फील्ड है क्या वो हमें दिखाई दे रहा है बेटा नहीं दिखाई दे रहा तो उस फील्ड को शो करने के लिए ठीक है हम किसका सहारा लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सहारा लेते हैं किसकी हेल्प से हम उसको शो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से शो करेंगे वी कैन वी कांट सी मैग्नेटिक फील्ड सो टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड वी ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा ये कर्व लाइंस होती है ठीक है दीज आर द कर्व लाइंस कैसे बनाते हैं वो भी तरीका बताता हूं मैं आपने एक मैग्नेट लिया ठीक है और उसको हमने सेंटर ऑफ ए कार्डबोर्ड पे रख दिया एक कार्डबोर्ड का पीस लिया और उसके सेंटर पे मैग्नेट रख दिया और ऊपर आयरन की फाइलिंग्स को हमने स्प्रेड कर लिया सारे में उसके बाद क्या करेंगे हम इसको टैब करेंगे बेटा कार्डबोर्ड को बार बार टैप करेंगे जिससे क्या होगा मैग्नेट की जो फाइलिंग्स है जो आयरन फाइलिंग्स है वो जो मैग्नेट बन चुका है आयरन की जो फाइलिंग्स है जो मैग्नेट बन चुका है वो अपने आप को अरेंज कर लेगा लाइक दिस मान लीजिए ये मैग्नेट था ठीक है ये नॉर्थ और ये साउथ अब यहाँ पे जो फाइलिंग्स है वो अपने आप को क्या कर लेंगी बेटा इस टाइप से अरेंज कर लेती है इस टाइप से क्या कर लेंगी अरेंज कर लेगी तो ये जो लाइंस हैं जिसमें ये जो मैग्नेट की लाइन है अगर इनको हटा के हम लाइन खींचें तो इस टाइप का आपका डायग्राम बनेगा तो ये जो कर्व लाइन है बेटा इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरा तरीका क्या है ड्रॉ करने का एक बार मैग्नेट हमने रखा लेट अस कंसीडर बार मैग्नेट रखा और कंपास नीडल को यहाँ पर रख दिया इस टाइम कंपास नीडल का नॉर्थ इधर शो कर रहा है बेटा फिर उठा के कंपास नीडल को फिर से इस यहाँ पर रख दिया नॉर्थ इधर शो कर रहा है इस तरह से करते करते जो जहाँ पे भी नॉर्थ पॉइंट शो करेगा हम उनको क्या कर लेंगे लाइन को ट्रेस कर लेंगे और हमें क्या ऑब्जर्व होगा बेटा नॉर्थ से लाइनें बाहर निकल रही है और साउथ पे लाइन अंदर जा रही है तो ये भी एक उसकी प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड तो क्या है नॉर्थ से साउथ है और अंदर क्या होती है साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दीज आर द लाइंस दीज आर कर्व्ड लाइंस These are curved lines such that tangent to it at any point, such that tangent to it at any point gives the direction of. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किसकी डायरेक्शन देगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा ये जो लाइंस है कर्व लाइंस है अगर किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है यहां पे अगर मेरे को मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहां पे टेंजेंट ड्रा करूंगा ठीक है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं बेटा या तो आयरन की स्प्रिंकल आयरन की जो फाइलिंग्स है उसको रखो टैब करो रीअरेंज हो जाएगी या विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास ठीक है इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करते हैं एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नोट डाउन ठीक है बेटा लास्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक है तो यहां पे देखिए एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सारे के सारे टॉपिक बेटा प्लस टू में फिर से रिपीट होंगे आपके ठीक है देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा फर्स्ट पॉइंट जैसे हमने इसको डिफाइन किया था वो एक इसकी डेफिनेशन बन जाएगी क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी फर्स्ट वन द डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो क्या शो करेगी देखिए यहां पे द टेंजेंट टू द टेंजेंट टू कर्व

मैग्नेटिक फील्ड किसकी डायरेक्शन देगा बेटा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे फर्स्ट वन जैसे मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ए बी ठीक है और इसके मैंने पी पॉइंट पे क्या किया एक टेंजेंट ड्रॉ किया पी पॉइंट पे तो ये जो पी पॉइंट पे अगर मैं पूछता हूँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये डायरेक्शन है पी एक्स पी एक्स इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन ए मैग्नेटिक लाइन ए बी और देखिए सेकेंड एडवर्टाइज में कभी भी कभी भी दो लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर आपस में नहीं काटेगी इंटरसेक्ट ईच अदर क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेगी बेटा ध्यान से समझना है मान लीजिए एक लाइन आपकी ये है ए बी और जो दूसरी लाइन है वो क्या है आपकी सी डी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है सी डी मैंने इंटरसेक्ट कराई तो यहां पे देखिए ये जो टेंजेंट होगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यहाँ पे टेंजेंट अगर मैं इस लाइन पे बनाता हूँ तो ये होगा और इस लाइन पे बनाता हूँ तो ये होगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल अब मैग्नेटिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन है तो कैसे पॉसिबल होगा मीन्स अगर मैं मैग्नेट को रखूँगा वो इधर भागेगा या इधर भागेगा दो डायरेक्शन है नॉट पॉसिबल बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Because at the point of intersection, there are two directions, there are two directions, which is not possible, which is not possible. इट क्लियर दो पॉइंट तीसरी बात बेटा जो हमने जब लाइंस ड्रॉ की थी उस टाइम भी डिस्कस की थी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कहाँ से कहाँ चलती है मान लीजिए ये नॉर्थ और ये साउथ ठीक है तो अंदर और बाहर उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी इनसाइड तो क्या होगी साउथ से नॉर्थ होगी और बाहर क्या होगी उथ बाहर क्या होगी नॉर्थ टू साउथ और इन साइड क्या होगी साउथ टू नॉर्थ एक point ये बन जाएगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पोल टू साउथ पोल एंड इन साइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और देखिए यह क्या होता है बेटा क्लोज पाथ होता है क्या होता है क्लोज पाथ और या फिर लूप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड पाथ या फिर क्या कह सकते हो आप लूप लूप का मतलब ही क्या होता है जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई उसी पॉइंट पे एंड एंड लास्ट पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे अगर लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर इफ द लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर लाइक दिस एक मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ठीक है यहां पर लाइन देखिए पास पास है और इतना ही एरिया में यहां पर बनाता हूं तो लाइन क्या है दूर दूर है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेरिजन टू दिस तो मैग्नेटिक फील्ड इफ द लाइन्स आर क्लोज टू ईच अदर इफ लाइन्स आर क्लोज टू ईच अदर क्लोज अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पास पास इफ द लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग और अगर लाइन पास पास नहीं है इफ द लाइंस आर नॉट क्लोज टू ईच अदर द फील्ड इज वीक तो इसको क्या लिख देते हैं बेटा एंड वाइस वर्सा इसका रिवर्स भी ट्रू है ठीक है और इसमें बताया जाएगा बेटा जैसे कि मान लीजिए हम मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं इस टाइप से पैरल लाइन्स ये कैसी लाइन्स है आपकी पैरल लाइन्स और इनके बीच का सेपरेशन भी क्या है इक्वल इक्वी डिस्टेंस पैरल लाइन किसको शो करती है बेटा यूनिफॉर्म किसको शो करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है अगर मैं कहता हूं इस रूम में फील्ड यूनिफॉर्म है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ ईच एंड एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है जो स्ट्रेंथ है वो क्या है सेम है और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म यहां पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन क्या है अलग अलग है तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे शो करेंगे बेटा पैरल इक्वी लाइन और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को इस टाइप से शो करेंगे दूसरा बेटा ये तो बेसिक ही आपको पता ही होगा इसका क्या बताएं सेवन पॉइंट मैग्नेट के बेटा दो पोल्स होते हैं एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल ठीक है मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं वहाँ पे अट्रैक्शन हमने क्या ऑब्जर्व किया मैक्सिमम अट्रैक्शन है मान लीजिए एक बार मैग्नेट लिया इसके जो एंड्स हैं यहाँ पे अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है सेंटर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा आयरन की जो फाइलिंग्स है वो यहाँ पे कलेक्ट होती है गैदर होती है तो उनको हमने एक टेक्निकल नाम दे दिया पोल्स क्या नाम दे दिया बेटा पोल्स एक का नाम नॉर्थ पोल और एक का नाम साउथ पोल नॉर्थ एंड साउथ पोल ठीक है बेटा नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और अगेन आगे फर्दर इस लेक्चर को इंक्रीज करेंगे आज जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था रिगार्डिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ठीक है आगे चल के हम इसमें और क्या क्या डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज डिस्कस करेंगे लेफ्ट हैंड डिस्कस करेंगे ए सी जनरेटर मोटर डिस्कस करेंगे तो इसका काफ़ी रोल है बेटा डेली लाइफ में जो हम चीज़ों को यूज़ करते हैं पर वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है किस सिद्धांत पर काम करती है वो हमें पता ही नहीं होता ठीक है तो आप पढ़ते रहिए बेटा हमसे इसी तरह से जुड़े रहिए ठीक है Thank you very much. Have a nice day.